अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है बायोग्राफिकल मेथड, जिसे हम उर्दू में सवाने उमरी भी कहते हैं, ठीक है, जो आप उर्दू में भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि इसमें क्या होता है, एक इंसान की लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप स्टडी करते हैं और उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई बुक पढ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, और उसके बारे में आपने बाद में एनालिसिस किया कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इसके करेक्टरिस्टिक क्या थे और उसके इंटरेस्ट क्या थे, ठीक है, उसकी सक्सेस स्टोरी, उसके फेलियर्स क्या थे, सब कुछ जो आप उसके बारे में फिर इन्फर करते हैं। अब जैसे थॉर्नडाइक जो था, उसने लिटरेरी बायोग्राफीज, साइकोलॉजिकल स्टडी, साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए जो है वो उसने यूज़ की थी। उसने क्या किया था कि बहुत से लोग, जैसे कि 91 फेमस पर्सन जो हैं, उनकी उसने इंफॉर्मेशन जो है वो स्टडी की थी, ठीक है। उन सब की उसने जो है वो बायोग्राफी स्टडी की थी, और उनकी राइटिंग्स के ज़रिए, उनकी स्पीचेस के ज़रिए, उनके एक्शंस के ज़रिए से, और हर आदमी के बारे में उसने बाद में रेट किया था, किस चीज़ के बारे में, उनकी सेंसिटिविटी के बारे में, उनकी सोशेबिलिटी के बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक के ऊपर उसने रेट किया था, ठीक है। अब ये बायोग्राफिकल मेथड जो है, इसमें हम जो हैं क्या हमें इसका फ़ायदा होगा, हमें उसका ये फ़ायदा होगा कि हम एक इंसान की अचीवमेंट्स के पीछे उसकी क्या चीज़ छुपी हुई है, कौन से करेक्टरिस्टिक छुपे हुए हैं, हम उस चीज़ का पता लगा लेते हैं, ठीक है। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ पे ख़ास तौर पे बनती हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि ये इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। इसका नुकसान ये होता है कि ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होती और कंप्लीट भी नहीं होती, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक्यूरेट नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि जैसे एक इंसान ने किसी के बारे में किताब लिखी, अब उस इंसान की पर्सनल राय जो है उस बंदे के बारे में नेगेटिव है, ठीक है, या उस बंदे के बारे में पॉजिटिव है, तो वो क्या चीज़ होगी, वो बायस्ड हो गया, ठीक है। अब मेरी जो राय है, मैं उस हिसाब से किताब लिख रही हूँ, मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी भी ला सकती हूँ और हर चीज़ में पॉजिटिविटी को भी देख सकती हूँ, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, इसमें मेरा बायस भी आ सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या होगा कि हमें लोगों के करैक्टरिस्टिक का पता चलता है, ग्रेट पर्सन्स के कौन से करैक्टरिस्टिक थे, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उनके करैक्टरिस्टिक का पता चला सकते हैं। लेकिन इनका क्या नुकसान है कि यह, क्योंकि कोई भी अगर किसी इंसान के बारे में लिखता है तो उसमें उसकी पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल राय शामिल हो जाती है, और वो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकती है।